मेरी ना इच्छा है कि मैं एक हाथी पालूं, पर हमारे सोसाइटी में अलाउ नहीं करेंगे, कुत्ते अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ कर भी दिया तो उसको रखेंगे कहाँ पे? पार्किंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निमेश परमार। मैं हूं सोफी परमार। मैं हूं मंजुला परमार। और ये है हमारा चैनल लिम्मी सोफी और मम्मी। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर sophie_nimmi_and_parmarified पर। वहाँ देखिए हमारे लेटेस्ट अपडेट और हमें सजेशन भी दे सकते हैं वहाँ पर कि आप कौन सा ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग या सीन रिएक्शन हमसे करवाना चाहते हैं। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है NSM फैमिली। तो आज हम टीजर रिएक्शन करने वाले हैं हाथी मेरे साथी का, जिसके डायरेक्टर है प्रभु सोलोमन और इसमें लीड रोल में है राना दग्गुबाती, पुलकित सम्राट, श्रिया एंड जोया। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 2 अप्रैल 2020 को, और ये मूवी तेलुगु, तमिल एंड हिंदी में भी आने वाली है। सो मार्क योर कैलेंडर्स, इसे देखने जाए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और दूर के सिनेमाघरों में भी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम टीजर रिएक्शन शुरू करते हैं। सुपर्ब लग गया यार। हाँ? राणा दग्गुबाती का लग रहा है, क्या एक्टिंग लग रही है, उसका वॉकिंग स्टाइल भी और सब कुछ एकदम ही डिफरेंट। मैंने जो मूवी देखी वो है बाहुबली, और बाहुबली से बिल्कुल अलग ही एक्टिंग देखी मुझे, बिल्कुल देख के ऐसा लगा रही है तो अपना वाला बाहुबली वाला है। और एकदम आवाज वगैरह निकाल के जानवरों को बुलाता है, शायद कुछ ऐसा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है शायद इस मूवी में, एलिफेंट को बचाने के ऊपर कुछ है। ऐसा लग रहा है कि जंगल काट दिए जाते हैं, छोटे कर दिए जाते हैं, तो जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं है, और राणा दग्गुबाती शायद उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करता है और उनको बचाता भी है काफी सारी जगह से, क्योंकि बहुत सारे सीन में ऐसा देखा कि जानवरों के पीछे लोग ऐसे आग लेके दौड़ रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे, या फिर बॉल था, बॉल भी एक था शायद, बॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जानवर, जानवर पूरे तोड़, हाँ वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मेरे को पुलकित सम्राट का समझ में नहीं है कि वो अगेंस्ट है कि विद है, मतलब वो थोड़ा सा क्लियर नहीं, वो भी हाथी पे बैठा था वैसे, पर वो समझ में नहीं आया, पर काफी इंटरेस्टिंग था, काफी इंटरेस्टिंग। जैसे खासकर राणा दग्गुबाती से टैलेंटेड एक्टर इस टाइप की मूवी करते तो एक मैसेज ज्यादा स्प्रेड होता है, और ये मूवी अच्छा है कि तीन लैंग्वेज में भी, हिंदी मिला के तीन लैंग्वेज में। तो थैंक यू सो मच आप लोग ना, सच में डायरेक्टर्स थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात को मान ली कि हिंदी में लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत पसंद होती है साउथ की सारी फिल्म्स, हमें देखना बहुत पसंद है, बट लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हमें सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ता है, फिर वो फील नहीं आता, या नजर सबटाइटल्स में रह जाती है। सो थैंक यू सो मच कि आपने हिंदी में ये मूवी को बनाया, तो हमें देखने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप जो मैसेज बनाए हो और हम तक पहुंचाना चाहते हो तो शायद वो हम तक जरूर पहुंच ही जाएगी। टीजर देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा हिंदी में भी आ रही तो हम लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से राणा दग्गुबाती को इस टाइप के रोल करते हुए देखने में, और मैं मूवी में देखना चाहती हूँ कि कैसा रोल रहेगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पसंद है इनको तो। हाँ मुझे जानवर बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। हाँ मेरी ना इच्छा है कि मैं एक हाथी पालूं, पर हमारे सोसाइटी में अलाउ नहीं करेंगे, कुत्ते अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ कर भी दिया तो उसको रखेंगे कहाँ पे? पार्किंग में। वाह। तो देखो करना चाहे तो कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो डॉग्स को भी नहीं कर रहे थे, पर मैंने उनको उठा के घर पे ला ली, जो अभी ना यहाँ सो रहे हैं, बड़े प्यारे से हैं,
लोग बोलते हैं स्ट्रीट डॉग्स को नहीं पालना चाहिए, पर ना मेरे डॉग्स बहुत प्यारे हैं, हर चीज़ सीख रहे हैं, बहुत लॉयल है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे क्या हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। जानवरों के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर जानवरों के लिए प्यार होना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते और वो ना अपना प्यार जता देते हैं, तो वो फीलिंग ना बड़ी प्यारी सी होती है कि बगैर बोले प्यार जता देना। तो मुझे मूवी देखना तो सच में बहुत अच्छा लगेगा। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह अर्थ पे इंसान का रहना जरूरी, इस तरह जानवर का रहना भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरा नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट करता है अगर कोई भी जानवर इंस्टिंक्ट होता है तो। तो इस टाइप की मूवी में अच्छा दिखाया, क्योंकि हाथियों का एक और चीज़ होता है कि लोग उनका शिकार करके उनके दांत सेल करते हैं, जो कि बहुत मतलब गलत चीज़ है। तो इस मूवी में उस चीज़ पे भी कुछ हो, चीज़ें भी बनाते हैं उनके, हाँ शो पीस वगैरह बनाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे घर पे भी इन सब चीज़ों के शो पीस है, आपके घर में भी होगा, कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आ ही जाता है, गिफ्ट में आ जाता है, नहीं तो हम ले लेते हैं, क्योंकि पता भी नहीं रहता है, बहुत लेट पता चलता है। ये सिर्फ टीजर था, तो जब ट्रेलर आएगा तो और स्टोरी के बारे में समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका ट्रेलर आए और हम उसका रिएक्शन करें, तो प्लीज आप एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, और हमें हमारे कम्युनिटी पेज को भी फॉलो कीजिए, हम वहाँ अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको हमारे चैनल के बारे में लेटेस्ट अपडेट वहाँ मिलते रहेंगे, और हमारे बारे में भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो शायद अगर आप हमारे आसपास हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।